सामान्य रही। कुलाऊ सुबर बिल फलक। हेलो दोस्तों, ये सीन अर्थरूल गाजी ड्रामा सीरियल सीजन 3 की सबसे बेहतरीन सीन में से एक सीन है। दोस्तों, उस रात की कहानी है ये, जिस वक्त अर्थरूल गाजी ने चाबदार कबीले की सरदार और उनकी परिवार को अपने दस्तरखान पर दावत पर बुलाती है। उस रात की कहानी है। उसी वक्त अब्दुल रहमान अर्थरूल के सामने आके हाजिर हो जाता है और फरमाते हैं, भाई आपसे बात करनी है। फिर अर्थरूल फरमाते हैं, मेहमान आए हुए हैं, क्या तुम वाकिफ नहीं हो? फिर अब्दुल रहमान जवाब में बोलते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, मैं इससे वाकिफ हूँ। फिर अर्थरूल चाबदार कबीले की सरदार से माजरत चाहते हैं और उधर से उठ के चले आते हैं। और अर्थरूल उधर से उठ के चले जाते हैं और दूसरे खेमे की ओर जाते हैं। तब उधर तुर्गुत सरदार उनको मिलते हैं, जो तुर्गुत सरदार हानली बाजार में अर्थरूल गाजी के लिए सीमोन की खुफिया मालूमात को इधर उनके पास पहुँचाते हैं। तो ये बात सीमोन को पता चल जाता है और सीमोन अर्थरूल को मारने के लिए अपने खुफिया तरीके से प्लान तैयार करते हैं और उस प्लान में तुर्गुत बुरी तरीके से फंस जाता है। और जो अर्थरूल गाजी के लिए तुर्गुत जो खत लेके आते हैं और जो मालूमत लेके आते हैं, वो सीमोन चाहता है कि वो अर्थरूल के पास पहुंचे। इसके बाद दोस्तों अर्थरूल वो खत को पढ़ते हैं, वो जहरीली खत को पढ़ते हैं। उसके बाद वो वापस से अपने खेमे में आते हैं, अपने दस्तरखान में आते हैं मेहमानों के पास। और दोस्तों ये बात उराल को ज़रूर पता था और उराल अर्थरूल की तरफ तिरछी निगाहों से बार बार देखते हैं कि जहर का असर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों वो जहर का असर अर्थरूल पर धीरे धीरे दिखने लगते हैं और अर्थरूल की हरकत अजीबोगरीबो होने लगते हैं। वो अजीबोगरीबो हरकतें करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी आँखों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर चाबदार कबीले की सरदार की आँख अर्थरूल गाजी की आँखों में पड़ती है और वो देख के डर जाते हैं। और हलीमा सुल्तान और अर्थरूल की माँ चिल्लाने लगते हैं, अर्थरूल तुम्हें क्या हो गया? ये देख के सारे खेमे के सारे लोग चिल्ला लगते हैं और अर्थरूल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हें क्या हो गया? फिर अर्थरूल धक्का मार के सभी को हटा देते हैं और सभी को मारने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त अर्थरूल नयाम से अपने तलवार निकाल लेते हैं और अर्थरूल चाबदार कबीले की सरदार के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे चाबदार कबीले की सरदार पर अर्थरूल अटैक करने जाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ठीक उसी वक्त इब्नुल अरबी जो है वो दोस्तों अर्थरूल सीरीज की सबसे अहम किरदारों में से एक है। वो इब्नुल अरबी अर्थरूल के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के सामने दोनों हाथ बढ़ा के दुआ मांगते हैं। क्या हुआ आपका भाई? ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات في العقد अर्थरूल भाई, अर्थरूल भाई, फिर हासिद इन्हिजा हसद। और दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दुआ में असर है, जो दुआ में ताकत है, जो दुआ में बरकत है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकता। और दोस्तों अगर आपका मन सच्चा हो और अपने मन से आप अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, अल्लाह से कुछ मांगते हैं, तो उनको ज़रूर अदा करता है। अल्लाह उनको खाली हाथ नहीं भेजता, तो उनको ज़रूर पूरा कर देता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
नमस्कार। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए खुदा हाफ।